एक दिन एक युवक और एक युवती में प्रेम हो गया, लेकिन लड़का एक गरीब परिवार से आया था। इस बात से लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे, इसलिए युवक ने फैसला किया कि वह न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा बल्कि उसके माता पिता को भी समझाकर अपने माता पिता की तरह स्वीकार करेगा। समय के साथ माता पिता ने देखा कि वह एक अच्छा आदमी था और उनकी बेटी के लिए सभी तरह से योग्य था, लेकिन एक और समस्या थी। वह आदमी एक सैनिक था, जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसे एक साल के लिए विदेश भेजा जा रहा था। उसके जाने से एक सप्ताह पहले आदमी ने अपने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, मुझसे शादी करोगी? प्रेमिका के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ, और वे एक दूसरे के गले लग गए। वे इस बात पर सहमत हुए कि जब वह एक साल में वापस आएगा तो वे शादी कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद लड़की का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर थी। जब वह अस्पताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। तुरंत वह जान गई कि कुछ गड़बड़ है। बाद में उसे पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी है। उसके चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले उसके मस्तिष्क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका कभी सुंदर और प्यारा दिखने वाला चेहरा अब विकृत हो गया था। खुद को आईने में देख वह रो पड़ी। कल मैं सुंदर थी, एक परी जैसी थी, आज मैं एक राक्षस हूँ। उसका शरीर भी बहुत सारे बदसूरत घावों से भरा हुआ था। वो खूब रोती और फिर उदास हो जाती। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह उसे अब और नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसे फिर कभी नहीं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। एक साल तक सिपाही ने कई पत्र लिखे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। एक साल बीत गया। एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में चली गई और उसे बताया कि वह युद्ध से वापस आ गया है। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताए, उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, उसकी शादी हो रही है और उसमें तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। लड़की का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसे अब उसे भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, यह क्या है? तभी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ, तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। और उसने अपने चेहरे से हाथ हटा दिया। उस युवक ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है, लोग इसके विपरीत ही करते हैं। हाँ, इस दुनिया में कहीं कहीं पर शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला प्यार दिखाई देखा है, और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना रहता है।